स्टार्ट। आज हम आपको बताएंगे कि यूनिवर्स का आखिर वॉन कैसे हुआ। एक था खाली स्पेस, उधर एक गैस की क्लाउड से बहुत सारे डस्ट और गैस की क्लाउड, एक टाइम एक स्टार था ना, स्टार वो उसकी वो एज छोटी होती गई, ऐसे ब्लास्ट हुआ कि वो डिस्क सारे वो क्लाउड मिक्स हो गए गैस और डस्ट के, जिससे वो बना डिस्क, जिससे वो डिस्क से बने वो मीटियोर्स जैसे बने। फिर एक और डिस्क थी जिससे एक ब्लास्ट हुआ जिससे सन बना। सन ने इन एस्टेरॉइड्स को जोड़ के प्लैनेट्स बनाए। पहले जुपिटर बना, फिर सैटर्न बना, फिर यूरेनस बना, फिर मरकुरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। जैसे कि मरकुरी सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट सन के है और वीनस उससे सेकंड नंबर पे हॉटेस्ट है सबसे ज्यादा। अर्थ अपना होम प्लैनेट है जिसपे टेम्परेचर ना ज्यादा ना कम। मार्स रेड कलर प्लैनेट है जिसपे रेड कलर बहुत ज्यादा है, रेड स्टोन। जुपिटर गैस प्लैनेट है जिससे वो अर्थ से 11 साइज में बड़ा है और उसमें 311 अर्थ फिट हो सकती हैं। सैटर्न की बात करें तो सैटर्न के पास अमेजिंग रिंग्स है, वो किंग ऑफ द मून्स है, उसके पास 445 मून्स हैं, जैसे कि जुपिटर के पास 94 मून्स हैं। अगर बात करें तो जुपिटर के पास 79 मून्स हैं, ऐसे बात करें तो सैटर्न के पास टोटल 83 मून्स हैं। और यूरेनस की बात करें तो वो ब्लूइश एंड ग्रीन कलर से बना हुआ है, उसके ऊपर थिक एटमॉस्फेयर, वो नहीं होते टाइप की गैस जो हम गैस स्टोव यूज करते हो उसकी तरह एक गंदी स्मेल होती है उसमें, उसे गैस बोलते हैं। वो आदमी रॉटन एग जैसी होती है। नेपट्यून इज द कोल्डेस्ट एंड डार्कर ब्लू कलर है उसका, उसके पास 14 मून्स है। प्लूटो की तो बात ही नहीं करो, 5 मून्स के साथ रहता है, उसका सबसे बड़ा मून उसके सबसे क्लोज है। प्लूटो की तरह वन और भी है वो बाकी ड्वार्फ प्लैनेट लाइक सीरीज, माके, हुमैया, इरिस एंड प्लूटो। बात करें अगर हम सन इज द गैस जायंट स्टार है, वो गैस से बना हुआ स्टार है जो आप देखते हो टेलीस्कोप से मून स्टार्स जो होते हैं हमें इतने फार होते हैं कि टेलीस्कोप से देखने पड़ते हैं। आज की वीडियो इतनी ही, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।